महकमा खेल सिंध ने एक बार फिर मुस्तहिक खिलाड़ियों और बेवाओं में 70 लाख रुपए तकसीम कर दिए। कोरोना की सूरत हाल में ये दूसरी बार है जब एंडोमेंट कमेटी ने खिलाड़ियों की माली इमदाद के लिए खतीर रकम की मंजूरी दी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सिंध सैयद इम्तियाज अली शाह ने एक सादा तकरीब में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। माली मावनत हासिल करने वालों में मल्लाह पहलवान, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिमनास्टिक समेत दीगर खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी शामिल थे। होने वाली तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डॉक्टर शाकर कयूम खानजादा, एंडोमेंट कमेटी के मेंबरान हैदर अली, गुलाम असगर बलोच, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहमद अली राजपूत, कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर गुलाम मोहम्मद व दीगर मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सिंध सैयद इम्तियाज अली शाह का कहना था कि महकमा खेल ने पहले भी मदद की है और अब भी मदद कर रहा है। इनका मजीद क्या और क्या कहना था, आइए इनका खिताब सुनते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मुस्तहकीन को कुछ फर्स्ट था और वो है पूरा कर रहा हूँ, उनको राहत दे रहा हूँ और खुशी हो रही है कि मैं इस मौसम पे हूँ और खुशी हो रही है कि मैं खिताब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेकेंड टर्म तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जिनको हमने दिया है वो हकदार है, डिजर्व करते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा जो भी खिलाड़ी रह गए हैं जो मुस्तहक हैं उनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उनको जरूर मदद की जाएगी। और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट हमारे मोहतरम हमारे बिलावल भुट्टो भुटाई साहब, हम खिलाड़ियों को